लैंड को लेकर भी खबर है कि वो नेटो में शामिल होना शुरू हो गए, प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। और नेटो के प्रमुख का बयान भी हमने सुना कि जिसमें कह रहे थे कि अब हम और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो एक तरफ कब्जा बढ़ रहा है, लेकिन नेटो भी कह रहा है कि हमारी ताकत बढ़ रही है। और जिस हिसाब से युद्ध बढ़ रहा है, क्योंकि ये अच्छे संकेत नहीं है दुनिया के लिए, इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था यूक्रेन से भी। देखिए, आज उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है, फिनलैंड और स्वीडन ने आज अपने कागज साइन किए हैं जो इस चीज को आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि करते हैं कि वो अभी नेटो के मेंबर्स बनने जा रहे हैं या बन गए हैं। और कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि लास्ट मोमेंट पे तुर्की इसमें कोई रोड़ा अटका सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्सेशन है नेटो के अंदर फिनलैंड और स्वीडन का, अभी फाइनल नहीं है। जो नेटो कंट्री के मेंबर्स हैं उन सब की पार्लियामेंट्स ने इसको अप्रूव करना पड़ेगा। और तुर्की ने कहा है कि जब तक जो उनकी बड़ी डिमांड थी 90 से 95 जो कुर्दिश लोग रहते हैं फिनलैंड और स्वीडन के अंदर, जिन्होंने वहां शरण ले रखी है, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए तुर्की तक, ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल कदम होगा फिनलैंड और स्वीडन के लिए। और तुर्की ने बोला है कि अगर वो अपना ये वादा पूरा नहीं करेंगे तो जो तुर्किश पार्लियामेंट है वो उनके इस एक्सेशन को, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन का मेंबर बनने को नेटो का, उसमें उसको अप्रूव नहीं करेंगे। और जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे ये फाइनल नहीं हो सकता। शुभांकर जी, आप क्योंकि नेटो के 32 सदस्य हो जाते हैं तो अगर इनके शामिल होने के बाद, तो जरा ये बताइए कि इसका कोई असर प्रत्यक्ष तौर पर रूस यूक्रेन के युद्ध पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो यूक्रेन के जाने की बात सामने आई, लेकिन कोई और अतिरिक्त बड़ी खबर नेटो से जुड़ी हुई जो यूक्रेन के युद्ध को प्रभावित करती हो? देखिए शुभांकर, जो बड़ी मिलिट्री पावर्स है नेटो में, आपने सही कहा, अभी 30+2 हो गया है। अगर फिनलैंड और स्वीडन का एक्सेशन जो है फाइनल हो जाता है तो 32 मेंबर हो जाएंगे। लेकिन देखिए आप, इसमें सारी जो है चाल जो है नेटो की वो सिर्फ अमेरिका से चली जाती है, क्योंकि लगभग 90% जो मिलिट्री माइट है नेटो का वो अमेरिका है, और जो बचे खुचे इंपॉर्टेंट देश है वो है फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए जर्मनी इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है लेकिन उसकी मिलिट्री अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है। तो तीन प्रमुख देश हैं नेटो के अंदर जो मिलिट्री माइट नेटो की रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। सो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड की बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है रशिया के साथ में, 1200 किलोमीटर का, और वो डायरेक्टली अब नेटो का और रूस का बॉर्डर हो जाता है। और अगर फिनलैंड वहां इजाजत दे देता है नेटो को अपने बेसिस बनाने के, तो उससे जो रशियन सिक्योरिटी है वो और ज्यादा एंडेंजर हो जाएगी। ये इसका एक आउटकम हो सकता है। जहां तक मिलिट्री माइट का सवाल है, मिलिट्री ताकत का सवाल है, उसमें कोई खास इजाफा होने वाला नहीं है। शुभांकर जी, लिसीचांस शहर वो शहर जहां पर कब्जा हुआ, और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि पुतिन बड़े खुश हैं, अपने सैनिकों को भी बधाई दी उन्होंने और ये कहा कि जो सैनिक यहां जीत कर आए हैं अब थोड़े दिन वो आराम कर लें, रेस्ट कर लें, बाकी सैनिक युद्ध जारी रखेंगे। तो ये जो पुतिन की खुशी है इसको कैसे देखा जाए इस युद्ध के बीच में? देखिए शुभांकर, ये जो हमला है इसको सभी जानकार ये मानते थे कि जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस रूस ने लॉन्च किए थे यूक्रेन के अंदर, कई जानकारों को माना था कि 5-6 दिन में खत्म हो जाएंगे, कुछ का कहना था 5-6 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। देखिए अभी 5वां महीना शुरू हो गया है और कुछ भी ऐसा सब्सटेंशियल कोई बड़ी जीत अब तक पुतिन अपनी जनता को उनके सामने पेश नहीं कर पाए हैं। तो लिसीचांस शहर के कब्जे के बाद जब पूरा लुगांस्क प्रोविंस उन्होंने कब्जे में ले लिया है, तो अपने आप में एक जीत जो है पुतिन जनता को दिखाना चाहते हैं, रूस के लोगों को दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि वो जो वॉर एफर्ट्स है रशिया के, उनकी जनरल पब्लिक उसके साथ खड़ी रहे और अगर जरूरत पड़े जनरल मोबिलाइजेशन की तो उसको भी सपोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं पुतिन ने अपनी कोई जीत जनता को दिखानी जरूरी थी, और यही उसके जो उनके बयान आए हैं या जो उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है इसके लिए, वो ये सब दिखाने को, जनता को दिखाने के लिए था कि देखिए हमने एक बड़ी विजय इस युद्ध में हासिल कर दी और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं।